प्रयागराज कौंधियारा ब्लॉक ग्राम सभा सेमरी में प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर ग्राम सभा प्रधान के बीच में कार्यों के बारे में चर्चा हुई और वह खुद ही अच्छे ढंग से ग्राम प्रधान द्वारा अपने जो कार्य कराए जा रहे हैं उनके बारे में, जो आगे के कार्य होने हैं उनके बारे में चर्चा की गई। इस योजनाओं के अंतर्गत उनका भी विस्तार से चर्चा किया गया। आइए सुनाते हैं आपको अभिषेक मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। प्रयागराज कौंधियारा ब्लॉक ग्राम सभा सेमरी में आए हैं। यहाँ पास ग्राम प्रधान के पास ग्राम योजना और कार्य योजना के बारे में कुछ जानकारी लेना है। अब सर आप बताइए कि ग्राम सभा में जो कार्य चल रहे हैं उनकी क्या जानकारी है? ग्राम सभा में जो है, जब से हम जीते हैं, हमारे यहाँ जो है एक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, दो नाली का काम हुआ है और एक खड़ंजा का काम हुआ है। बाकी जो है नरेगा से नाली की सफाई का कार्य चालू, पंचायत भवन का काम चालू। सर जो ये इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है ये कितने मीटर पर है? इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कितने मीटर की है? चौड़ाई लंबाई जो होती है, लंबाई आवश्यकता के हिसाब से होती है, जितना जहाँ पर जरूरत पड़ता है। जैसे जो बजट पास होता है, मतलब कहीं आप करते होंगे, कितने मीटर पर पास होता है? अब इसमें करीब 2,40,000 तक का जो है होता है ब्लॉक से, बाकी बाहर से होता है वहाँ से CDO कार्यालय से। जो 2,40,000 का है कितने मीटर का है पास होता है? ये कितने मीटर का होगा? सबका अलग अलग मीटर है। एक ठो भी कितना मीटर ये वाला है? ये 60-65 मीटर एक ठो बना है इंटरलॉकिंग। जो 65 मीटर की इंटरलॉकिंग है इसका बजट कितना होता है? इसका 2,40,000 था इसका, मतलब 2,40,000, मतलब 60 मीटर की जो इंटरलॉकिंग हुई है उसका बजट है। हाँ, 2,40,000। अच्छा, जो यहाँ पर इंटरलॉकिंग के बगल में नालियाँ होती हैं उनका मतलब खुली नाली रखते हैं कि अंडरग्राउंड रखते हैं? नहीं, अभी तो नाली हमने बनाया नहीं है इंटरलॉकिंग के बगल, और एक सड़क किनारे बनी है, एक गांव बनी है, दोनों खुली। और जो ग्राम सभा के कार्य योजना होते हैं, जैसे आवास योजना हो गए, इसके संबंध में क्या जानकारी है? आवास योजना हमारे यहाँ जो है पिछले साल जो प्रधान थे उनके द्वारा जो दी गई है वही आया है, अभी नया नहीं डाला गया है। आपदा राहत में लोगों का डाला गया, अभी आया नहीं। कार्य योजना भी वही चल रही। और सारे जो योजनाएं हैं ग्राम सभा में उनकी क्या जानकारी है? गांव सभा की लगभग जो है जितने कार्य हैं उनको हमने नोट किया है, और कुछ काम में काम चालू है, कुछ काम अभी तक नहीं, मतलब नहीं मिले हैं, पास नहीं हुए। लगभग जैसे ग्राम सभा में रोजगार की व्यवस्था किया जाता है मनरेगा के तहत, तो उस मनरेगा में जो मजदूर होते हैं उसकी क्या मतलब कैसी व्यवस्था होती है? मनरेगा तरफ जो है जो मजदूर काम नाली में काम कर रहे हैं उनका पेमेंट जो है गवर्नमेंट तरफ से होता है। नाली में भी होता है कि तालाब में? सब में होता है। तालाब का काम अभी नहीं चालू है, नाली का चालू है, बारिश के कारण तालाब का काम बंद था। अच्छा, ये और योजना चलता है गौशाला योजना, कुछ हर गाँव ग्राम सभा में होते हैं उनके बारे में क्या जानकारी? हमारे यहाँ गौशाला के बारे में अभी कोई काम नहीं हुआ है। मतलब है कि नहीं? यहाँ हर गाँव में है तो यहाँ भी होगा, लेकिन अभी हमने नहीं किया है ना, हमको कोई ऐसा आदेश मिला है गौशाला के लिए। मतलब यहाँ अभी कंफर्म नहीं कहा है कि नहीं है? नहीं, काम हमको कोई आदेश ही नहीं मिला है ना, हमने किया है, हमको ना कोई आदेश मिला है ना हमने किया है। क्यों? अगर हर गांव के अलग अलग कोई आदेश होता है क्या? आदेश नहीं होता हमको, नहीं मतलब हमारे गाँव सभा में भी नहीं आया है। अब और गाँव सभा में क्या होगा क्या नहीं उसको तो हमको जानकारी है नहीं, मेरे गाँव सभा में नहीं अभी तक। अच्छा, आपके जो सचिव होते हैं ग्राम सभा के, कई मतलब मेंबर्स और होते हैं, उनके बारे में आपको मतलब सहयोग करते हैं कि नहीं करते? ग्राम सभा के जो सदस्य हैं हमारे यहाँ के, वो सहयोग तो कम कर रहे हैं, विरोध ज़्यादा करते हैं। जबकि मैंने उनसे कई बार कहा, हमारे यहाँ के एक निर्माणकार के अध्यक्ष हैं मान सिंह पटेल, हमने कई बार इन लोगों से कहा कि आप लोग जो है अपने अपने वार्डों में काम कराइए, काम को देखिए, जो काम हो रहा है, जो काम करवाना है उसको बताइए। एक भी न काम को बताते हैं, न काम में कोई रुचि रखते हैं, खाली एक काम करते हैं, विरोध करने का रुचि, बाकी उनका कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं है। गांव में जो कई प्रकार के योजना होते हैं कोई पक्ष कोई भी पक्ष में, क्या यहाँ जनता संतुष्ट है या नहीं? जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट। तो इसमें देखते हैं ग्राम सभा के प्रधानाचार्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के पत्रकार को अपनी वाकई ढंग से रखा और चर्चाएं में जानकारी रखी। प्रयाग एक्सप्रेस से जय हिंद जय भारत।
प्रयागराज कुंधिया ब्लॉक में ग्राम सभा सिवरी में आए हुए हैं और आप बताएं कि आपके कार्य योजना में आपके कार्य में क्या क्या जानकारी है। का जानकारी बताई जौन काम हमारा होत बा सही होत बा का सही होत बा जौन पंचायत भवन में काम होत बा वो आप स्वतः चल के चेक कर लो का फोटो भेज दे जो देखे वो कहे हाँ सही होत बा गलत होत बा जौन जितना काम बा अगर आप आई है तो स्वतः देख लें ठीक। 5 एक के मसाला से कितना इंटरलॉकिंग अभी आज तक किए हैं आप? इंटरलॉकिंग एक हुआ है 65 मीटर का है। 65 मीटर में कितनी लागत लगी? 2,40,000 तक उसमें लागत लगी है। हाँ अभी नाली वाली उसमें नहीं बनी है। कितने आवास बनाए अभी आज तक? आवास बनाने दिए थे वही बन रहे हैं, जो पहले वाला आवास था वही बन रहा है और अभी नया नहीं है कुछ। हाँ कुछ और अपने ग्राम सभा की योजनाओं के बारे में जानते हैं? योजनाएं बहुत हैं। अब योजना जितना मिलता बा वो जौन करे के बा करते ही है। का करत है? पेंशन के कार हम करवावत रहे। पेंशन कार है, विधवा पेंशन, विधवा है, बे मतलब तमाम प्रकार के काम बा, सड़क का है, सब करते रहे। हाँ सारे काम। और मनरेगा के तहत आप क्या कार्य करते हैं? मनरेगा के तहत तारा पानी से भरा बा, ओमे कुछ नहीं कही पाओत है, नरिया खुदात बा, हाँ नाली के काम होत बा और जब तक वो पानी न सूखे हुआ हम कुछ न कह पाओ। आपके ग्राम सभा के खंड विकास अधिकारी का क्या नाम है? अब नया जय आए गुआ का नहीं जाने, मतलब ब्लॉक में आप प्रधान है और जो अधिकारी है उसका आप नाम नहीं मालूम है? भाई ऐसा है कि अभी अभी जब आए अभी अभी भेंट हमसे हुई नहीं तो हम उनको बताएं क्या। अस्मिता से ब्लॉक में जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ जाते हैं, हाँ ब्लॉक में जाते हैं। तो देख सकते हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद जय भारत।